वेलकम टू पांडा मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटलिंग प्लांट, मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट के बारे में बताएंगे। इसमें क्या क्या मशीन लगता है और किस किस तरह का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिलता है, आपको डिटेल में बताएंगे। ये सेमी ऑटोमेटिक बॉटल बनाने का मशीन है, जिसको हम लोग पेट ब्लोइंग मशीन बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक टू कैविटी पेट ब्लोइंग मशीन है, एक बार में दो बॉटल निकलेगा, घंटे में लगभग 1200 बॉटल। इसको आप सेमी ऑटोमेटिक में लेके काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑटोमेटिक पेट ब्लोइंग मशीन भी ले सकते हैं, जो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है फिलिंग मशीन के साथ में। ये देखिए, ऑटोमेटिक ब्लो होने के बाद में ऑटोमेटिक अनलोडिंग होता है, और ऑटोमेटिक अनलोडिंग होके फिर वो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के अंदर में चले जाता है वाटर फिलिंग के लिए। ये भी आप ले सकते हैं अगर बजट ज़्यादा है। ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, फिलिंग मशीन है, जिसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग होगा, फिर ऑटोमेटिक फिलिंग होगा, फिर ऑटोमेटिक कैप लग के ये बाहर निकलेगा आउटफिट कन्वेयर में कोडिंग, लेबलिंग और श्रिंक रैपिंग के लिए। ये आप अपने स्पीड के हिसाब से, बजट के हिसाब से ले सकते हैं। आपको कितना बॉटल पर आवर चाहिए, 2000, 5000, 10000, जितना आपको पर आवर का प्रोडक्शन रहेगा उस हिसाब से आपको फिलिंग मशीन का स्पीड, आपको छोटा बड़ा मशीन आपको लेना है। और इसके बाद में आप ऑटोमेटिक, ये लेबलिंग मशीन है, ये BOPP लेबलिंग मशीन है, और BOPP लेबलिंग मशीन के बाद में आप अपना ऑटोमेटिक ग्रुप पैकिंग करेंगे, श्रिंक रैपिंग करेंगे। लेबलिंग मशीन भी आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेना है तो मैनुअली आप अपना लेबल डाल सकते हैं, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक श्रिंक रैपिंग मशीन भी, अगर आप का बजट नहीं है तो फिर सेमी ऑटोमेटिक श्रिंक रैपिंग मशीन भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिक श्रिंक रैपिंग मशीन कैसे काम कर रहा है। ऑटोमेटिक बॉटल को वेब सील करके फिर वो हीट श्रिंक करके निकाल दे रहा है। ये सेमी ऑटोमेटिक श्रिंक रैपिंग मशीन है, आप इसको ले सकते हैं। आपको बॉटल रखना है और बटन प्रेस करना है, फिर वो अंदर जाके वेब सील होके सील होके निकल जाएगा श्रिंक होके। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, कम बजट में अगर आपको करना है, और इससे भी अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको ये श्रिंक रैपिंग मशीन को हटा के आप नॉर्मल पेपर कार्टन में अपना मटेरियल जो है पेटी में पैक करके बेच सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपका, ये फ़िलहाल आपका 2 लीटर का श्रिंक रैपिंग हो रहा है, 2 लीटर बॉटल, 2.5 लीटर बॉटल और 5 लीटर बॉटल। ये 1 लीटर का भी आप सेम मशीन में कर सकते हैं, 0.5 लीटर का भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एक RO लगेगा, वाटर प्योरीफायर, और BIS लेबोरेटरी, जो आपको वाटर टेस्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो ये टोटल मशीनरी आपको चाहिए एक मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट को चलाने के लिए। अगर आप 20 लीटर जार करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक जार वॉशिंग फिलिंग कैपिंग मशीन भी आता है 20 लीटर जार के लिए, और उसको 20 लीटर जार ऑटोमेटिक मशीन नहीं चाहिए तो मैनुअली भी अपना एक जार वॉशिंग मशीन लेके आप मैनुअली को जार को वॉश करके, फिल करके, कैप करके आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये है टोटल आपका मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट प्रोजेक्ट में जो जो मशीन लगता है, इसका डिटेल्स जानकारी के लिए पंडा मशीन प्राइवेट लिमिटेड में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी की फ़ोन नंबर्स है, और ये हमारा फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया वीडियोज़ जो है उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।